तात्पर्य यह है कि भारत की मुद्रा व्यवस्था में, भारत की सेंट्रल बैंक की कल्पना में, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में, अर्थव्यवस्था के संबंध में किसी एक महापुरुष का स्पष्ट दर्शन था, उत्तम से उत्तम योगदान था, तो उस महापुरुष का नाम है डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। और इसलिए आज जो ऐप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार, जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यानी एक प्रकार से बाबा साहब आंबेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है। उसका प्रारंभ आज इस कार्यक्रम के तहत किया है। बहुत ही सरल है, इसे आप डाउनलोड करने के बाद स्मार्टफोन हो, 1200 वाला मामूली फीचर फोन हो, इससे इसका उपयोग कर सकते हैं आप। इंटरनेट होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। और आने वाले 2 सप्ताह के भीतर भीतर एक और काम हो रहा है जिसकी सिक्योरिटी की चेकिंग की व्यवस्था चल रही है इन दिनों, वो आने के बाद तो ये भीम की ताकत ऐसी होगी कि आपको न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है। कोई कल्पना कर सकता है, एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था, वक्त बदल चुका है, अंगूठा आप ही का अंगूठा, आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा, आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा, आपका कारोबार। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है। और 2 सप्ताह के बाद ये व्यवस्था जब आरंभ होगी, मैं बहुत साफ देख रहा हूं ये भीम दुनिया के लिए सबसे बड़ा अजूबा होगा। देश में आधार कार्ड, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार नंबर मिल चुका है। जो 12-15 साल से छोटी आयु के हैं उनका बाकी है, काम चल रहा है, लेकिन जो बड़ी आयु के हैं 14 से ऊपर, करीब करीब उसमें से अधिकतम लोगों का हो गया, कुछ छुटपुट कुछ रह गए होंगे, तो अब काम चल रहा है। दूसरी तरफ देश में 100 करोड़ से ज्यादा फोन है, मोबाइल फोन, जिस देश के पास 65% नौजवान 35 साल से कम आयु के हो, जिस देश के लोगों के हाथ में मोबाइल फोन हो, जिस देश के लोगों के अंगूठे में उनका भविष्य सुनिश्चित कर दिया गया हो, वो देश एक बार अगर डिजिटल कनेक्टिविटी कर दे तो
तो कितना बड़ा नया इतिहास बना सकता है ये इसके अंदर आपको दिखाई देगा। विश्व के किसी भी देश के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना ही आगे गया हुआ देश होगा, उनके लिए भी, और इसलिए फिर वे गूगल के पास जाएंगे, गूगल गुरु को पूछेंगे ये भीम है क्या, तो शुरुआत में तो उनको महाभारत वाला भीम दिखाई देगा। और ज्यादा गहरे जाएंगे तो उनको पता चलेगा हिंदुस्तान की धरती पर कोई भीमराव अंबेडकर नाम के महापुरुष हो गए, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के जीवन का मंत्र यही था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वे दलित पीड़ित शोषित वंचितों के मसीहा थे। ये टेक्नोलॉजी उसकी सबसे बड़ी ताकत गरीब से गरीब को एम्पावर करने की ताकत इसमें पड़ी हुई है। ये भ्रम है कि ये पढ़े लिखे अमीरों का खजाना है, जी नहीं, ये गरीबों का खजाना है। ये ताकत गरीब को देने वाला है, छोटे व्यापारी को देने वाला है, दूर सुदूर गांव में रहने वाले किसान को देने वाला है, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले आदिवासी को देने वाला है। और इसलिए इसका नाम उस महापुरुष के साथ जोड़ा है जिन्होंने अपनी जिंदगी दलित पीड़ित शोषित वंचित आदिवासियों के लिए खपा दी थी। शुरू में कभी कभी लगता है आज भी दुनिया के कई समृद्ध देश हैं, पढ़े लिखे फॉरवर्ड कंट्रीज हैं, उनको जब पता चलता है कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बटन दबा करके वोटिंग करते हैं और जब काउंटिंग होता है तो 2 घंटे में तो रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो दुनिया के कई देशों को अचरज होता है कि अभी तो हम चुनाव होता है तो मतपत्र प्रिंट करते हैं, गांव-गांव मतदान करने के लोग आते हैं, थप्पा मारते हैं, फिर बक्से में डालते हैं, फिर हम लोग उसका डिवीजन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उसके बाद काउंटिंग करते हैं। हमारे यहां तो हफ्ता हफ्ता लग जाता है। जिस देश को अनपढ़ कहा जाता है, जिस देश के नागरिकों को उनकी समझ पर कुछ लोग सवालिया निशान उठाते हैं, वो देश दुनिया के सामने गर्व कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाले हम लोग हैं और हम इतनी बड़ी मात्रा में सफलतापूर्वक करते हैं। कभी कभी मैं हैरान हूं, कुछ लोग होते हैं जिनके दिलो दिमाग में निराशा से ही उनका जीवन आरंभ होता है, उनका सुबह भी निराशा से होती है। ऐसे निराशावादी लोगों के लिए अभी तो कोई औषध अवेलेबल नहीं है। तो ये निराशावादी लोगों को उनकी निराशा, उनको मुबारक। कोई कल्पना कर सकता है हिंदुस्तान में
एक जमाना था, आप लोगों ने पुराने जमाने की मूवी देखी होगी, तो शेयर मार्केट में व्यापारी इकट्ठे होकर के चिल्लाते थे, ऐसे ऐसे उंगलियां कर करके वो अपना शेयर बाजार में दाम बोलते थे, और उसको लिखने वाले फिर दूर से तय करते, हाँ ये वो बोली बोल रहा है, वो ये बोली बोल रहा है। ये एक जमाना ऐसा था। आपने देखा होगा पहले शेयर मार्केट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते थे, बड़े बड़े शेयर सर्टिफिकेट आते थे, उसको संभालना पड़ता था, घर में कोई ध्यान रखता था, देखो भाई शेयर लिए थे तो क्या हुआ, कोई दाम बढ़ा कम हुआ। आज हिंदुस्तान किस प्रकार से बदल को स्वीकार कर चुका है, करोड़ों करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट से, डीमैट अकाउंट से अपना पूरा कारोबार ऑनलाइन करते हैं, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वे कोई कागज का टुकड़ा नहीं, अरबों खरबों रुपयों का कारोबार चल रहा है। लेकिन इस देश के अंदर शायद हो सकता है आज मैंने कहा तो कुछ लोग जाग जाएंगे, खोजने के लिए जाएंगे कि मोदी जो कह रहा था सच है कि गलत है, क्या सचमुच में शेयर बाजार के अंदर सब ऑनलाइन होता है क्या, क्योंकि अब तक किसी का ध्यान ही नहीं हो गया, ये हो चुका है लेकिन ध्यान नहीं गया। लेकिन इन दिनों जब मैं कहता हूं कि ई पेमेंट के लिए, तो लोगों को लगता है कुछ नया लाया है मोदी, गड़बड़ लगता है। और इसलिए बड़े बड़े लोग, उच्च उच्च पदों पर रहे हुए लोग, वे भी अपने बड़ी मृदु भाषा में बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, देश अनपढ़ है, मोबाइल फोन कहाँ है, ऐसा बोलते हैं। निराशा में पले बड़े लोगों के लिए मेरे पास कोई औषध नहीं है, लेकिन आशावादी लोगों के लिए मेरे पास हजारों अवसर है। भाइयों बहनों, आज कोई दो भी सोच सकता है क्या कि वो बैंक से लोन ले सकता है? कोई छोटा सा हजाम की दुकान चलाने वाला, बाल काटने वाला व्यक्ति, वो सोच सकता है कि मुझे बैंक से लोन मिल सकता है? कोई अखबार की पस्ती इकट्ठी करने वाला या अखबार बेचने वाला सोच सकता है? वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि बैंक में मैं जाऊंगा पैसे मिल सकते हैं, सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हमने हालत ऐसे बना के। ये जो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूं, वो कैसा रिवॉल्यूशन लाएगा? और जब ये भीम सामान्य नहीं है, आपके परिवार की वो आर्थिक महासत्ता बनने वाला है। कैसे? मान लीजिए धोबी आज उसके पास लोग आते हैं, कपड़े ड्राई क्लीनिंग जितना फलाना करा के जाते हैं, शाम को वो 500-1000 रुपए कमा लेता है, घर ले जाता है अपना गल्ला। लेकिन जिस दिन वो डिजिटल पेमेंट लेना शुरू करेगा, तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। उसका मोबाइल फोन बोलेगा कि रोज का 800-1000 रुपए आते हैं, 100-200 रुपए बचते हैं। फिर उसको बैंक से अगर लोन लेना होगा तो बैंक को कहेगा, देखो भाई मेरे मोबाइल चेक कर लीजिए, मेरे अकाउंट पे इतना पैसों की लेन देन चलती है, अब मुझे जरूरत है, 5000 रुपया चाहिए, दे दीजिए। ये व्यवस्था ऐसी होगी कि आज उसको साहूकार के पास ऊंचे ब्याज से 5000 रुपया लेना पड़ता है, वो अपने मोबाइल फोन से, वो दिन दूर नहीं होगा, 5 मिनट के भीतर भीतर 5000 रुपया उसके खाते में मिल जाएंगे। ये ई बैंकिंग की व्यवस्था डेवलप होने वाली है, ये दिन दूर नहीं होगा दोस्तों, ये होने वाला है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए,
एक कॉमन प्लेटफॉर्म आज भीम के रूप में देशवासियों को 2016 के साल के आखिर में जब मैं दे रहा हूं तो एक प्रकार से 2017 का एक उत्तम से उत्तम नजराना मैं दे रहा हूं। भाइयों बहनों, आज से 3 साल पहले के अखबार उठा लीजिए, पुराने अगर YouTube पर जाएंगे तो पुराने टीवी न्यूज के क्लिपिंग पड़े होंगे वो देख लीजिए, क्या आता है, कितना गया कोयले में, कितना गया 2G में, कितना गया है, खबर यही रहती थी कितना गया। आज लोग देखे यार आज कितना आया, देखिए वक्त वक्त की बात है, वही देश सरकार, यही फाइलें, यही नियम, वो भी एक वक्त था जब गए की चर्चा होती थी, ये भी एक वक्त है आने की चर्चा हो रही है। लोग हिसाब लगा रहे हैं मंडे को इतना आया था, ट्यूजडे को कितना आया। अगर भाइयों बहनों देश के गरीबों के लिए अगर जज्बा हो, उनके प्रति समर्पण हो, तो सब चीज अच्छी करने के लिए ईश्वर भी ताकत देता है। मैं हैरान हूं, एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चूहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। किसान मेहनत करके, किसान मेहनत करके अनाज का ढेर करे तो चूही आ जाए साहब, सब खत्म कर जाती। तो जिस नेताजी ने जो कहा मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम सत्य तो बोले। ये चूहियां पकड़ने का ही काम है, जो देश का गरीब का धन खा जाते थे वो चूहियां पकड़ने का ही काम है और चल रहा है, तेज गति से चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस समय मीडिया के मित्रों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा जो चीज मीडिया के लोग ठान ले तो उसका एक असर पैदा होता है। जब लोग लाल लाइट वाली गाड़ियों में घूमने के शौकीन हुआ करते थे तो मीडिया वाले पीछे पड़ गए, कैमरा ले गए, अच्छा ये लाल लाइट लगा के बैठा है। धीरे धीरे जिसको लाल लाइट का हक था ना वो भी डरने लगा, यार छोड़ो। बहुत लोग थे सरकार कहे कानून कहे सीट बेल्ट लगाओ सीट बेल्ट लगाओ, कोई नहीं लगाता था, मीडिया वाले पीछे पड़ गए। कोई कार में बैठा है बड़ा आदमी तो तुरंत निकालते थे, हाँ इसने सीट बेल्ट नहीं लगाया, फिर दूसरे दिन टीवी पे दिखाते थे तो उसकी मुंडी इतनी हो जाती थी। वो सीट बेल्ट का अवेयरनेस आया, कभी
हेलमेट के लिए सरकार कहती है भाई जिंदगी बचाने के लिए यार हेलमेट लगाओ ये करो, सुनते नहीं। लेकिन मीडिया के लोग कोई पुलिस वाला बिना हेलमेट जाता था पकड़ते थे टीवी पे और दिखाते थे, तो वो फिर कांपने लगते थे। लोग भी जाते थे दिखा देखो ये जा रहा है, सरकार भी जागती थी, पुलिस भी जागती थी। ये सेवा कम नहीं है जी, ये सेवा बहुत बड़ी है। एक ऐसी जागरूकता आई, इवन स्वच्छता का अभियान, कोई मीडिया के लोग स्वच्छता रखनी चाहिए कहे अलग बात है, लेकिन मैंने देखा वो सुबह शाम उनके कैमरा के लोग उन जगह पे घूमते थे और कोई डालता था तुरंत पकड़ करते फिर उसका इंटरव्यू करते थे। तो फिर वो ऐसे भागता, नहीं नहीं मेरा इदारा नहीं, मैंने देखा नहीं था, वो कहते दिखता है कि नहीं दिखता है तो भागता था। देखिए मैं मानता हूं हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, ऐसे तो मैं ढेर सारी चीजें गिना सकता हूं क्योंकि मैं आशावादी सोच वाला इंसान, तो मुझे उसमें अच्छा अच्छा दिखता है। कुछ लोगों को शिकायत करने का मन करता है कि ऐसा क्यों करते हैं, मुझे नहीं करता है, मुझे लगता है अच्छा करते हैं। और इसलिए आने वाले दिनों में मीडिया बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। पिछले 50 दिनों देखा होगा आपने, मैं भाषण करता था कि डिजिटल करना चाहिए, मोबाइल करना चाहिए, तो मुझे दिखाते थे और बगल में कोई पैडल रिक्शा वाले को पूछते थे कि तेरे पास मोबाइल है, वो कहता था नहीं है। तुम कैशलेस जानते हो, बोले नहीं। फिर वो मुझे है मोदी और उसके कारण सरकार को भी सोचना पड़ा, हाँ भाई फीचर फोन पे भी किया जाना चाहिए, अंगूठे में भी बैंकिंग आना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो बोलो मीडिया को मैं थैंक यू कहूं कि ना कहूं, इसलिए मैं उनको थैंक यू कहता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है आप लोग चेत करके रहिए, अब मीडिया वाले 1 तारीख के बाद आपके हाथ में मोबाइल देखेंगे, कैमरा खड़ा करके पूछेंगे तेरे पास मोबाइल है, है भीम है, कैश लेके क्यों घूम रहा है, पढ़े लिखे हो क्या कर रहे हो। आप देखना 2017 में मीडिया के लोग आपको पूछने वाले हैं, सब हिंदुस्तान वालों को पूछने वाले कि दो दो मोबाइल फोन लेके घूम रहे हो फिर भी तुम कैशलेस नहीं हो रहे हो। इसी से रिवॉल्यूशन आता है जी, क्रांति इसी से होती है। और मुझे विश्वास है कि देश विश्व के आधुनिक देशों की तुलना में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के साथ कॉमन मैन की कनेक्टिविटी ये होके रहने वाला है। भाइयों बहनों, मैं ये सब मत कहूं, हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं था, हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया में से गरीब नहीं बना है। हमारे अपनी कमियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत आचरण के कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश गरीब देश की गिनती में आके खड़ा हो गया। लेकिन इसका मतलब यह है कि आज भी इस देश में फिर एक बार सोने की चिड़िया बनने का पोटेंशियल पड़ा हुआ है। इस सपने के साथ, इस विश्वास के साथ क्यों न हम देश के गरीबों को उनका हक दिलाएं, मध्यम वर्गीय लोगों का जो शोषण हो रहा है उसको रोकें, ईमानदारी के रास्ते पर देश चलना चाहता है उसको हम बल दें। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आज लोग इसका मूल्यांकन करने की न हिम्मत करेंगे न ही शायद उतना सामर्थ्य होगा, लेकिन दूर वो दिन दूर नहीं होगा
जब इस सारे घटनाक्रम का मूल्यांकन होगा, इतिहास की तवारीखों में जब मढ़ा जाएगा, तब एक बात उजागर होने वाली है, हमारा देश कभी कहा जाता था यूनान मिस्र मिट गए,